केंद्र सरकार है हंकारी गई है और अज नौजवान चार साल वास्ते गोली खाने वास्ते नहीं बनिया। नौजवान जो बेरोजगार होगा तो गुस्से चाहूगा और वो देश के वास्ते कि ना कि नैशनल सिक्योरिटी तो लैके हर चीज़ वास्ते खतरनाक है। ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਕ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਆਈ ਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਸ ਚ ਆ, ਕਿਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਸਾੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ हिंसक रूप ना होवे, नौजवानों की जान ना जावे, शांति भी बनी रहे, प्रोटेस्ट भी होवे और इस स्कीम का विरोध भी होवे। सो असी एक शांति की अपील भी करते हैं और मशाल मार्च कढ़ रहे हैं इस दे विरोध में भी, ताकि नौजवानों को वरत्या वरत्या ना महसूस किया। ढिल्लों जी, जेकर गल करी जाए केंद्र सरकार ने पहला खेती कानून लिया उसनू रद्द करना पाया पर हुण नौजवानों दे भार रखा गया, उसनू क्यों देखते हो, की कारण है अपना केंद्र का? देखो ये जिहड़ी केंद्र सरकार है हंकारी गई है, ये जिहड़ी सरकार आ बड़ी हंकार दे विच अपने आप नूं यह समझदे आ वी साडी सरकार बनी पई आ और जो असी दिल करूगा असी उह लागू कर दांगे। आर्थिक तौर पर सरकार कमजोर हो चुकी आ, उहदे करके इहो जी स्कीमां लैके आ रहे आ जिहदे नाल मतलब आर्थिक ते भार ना पवे और नौजवानों नूं इह वी दे देण वी असी नौकरियां देतियां। असल विच सच इह आ वी करोना की मार पई, नौजवानों की एज का चक्कर पिया और अज नौजवान चार साल वास्ते गोली खाण वास्ते नहीं बनिया। देश के वास्ते जाना कुरबान करने तैयार पाया, लेकिन वो वास्ते वो परिवार को सिक्योरिटी मिले, उन्होंने पेंशन मिले, ये सारिया चीज़ा इंकलूड कर चाहिए। रूपनगर तो संगरूर मार्च करने का की कारण रहा? देखो अज संगरूर साडा डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर अज सारे पंजाब दे विच मार्च हो रही आ, सारे साडे जिला प्रधान जिहड़े आ अपने अपने जिलों के इस दे खिलाफ रोस कर रहे आ। सो इस करके संगरूर दे विच आना इस करके क्योंकि जीवनी चोण इत्थे हो रही है और लोगों असी मैसेज देना चाहते हैं भी ये जिहड़ी बीजेपी सरकार आ जिन्हों तुहानू लगता भी ये सेंटर की सरकार आ, केवल ढिल्लों जी इन्हां दे नुमाइंदे आ, उन्हां दे खिलाफ एक गुस्सा जिहड़ा वा वो इत्थे अपनी वोटां पा के इन्हां नू मैसेज दो और इन्हां नू दसो भी ये स्कीम सानू पसंद नहीं हैगी। बरिंदर ढिल्लों जी, तुसीं बेरोजगारी की गल कर रहे हो, दूजे पासे आम आदमी पार्टी ने बसां चलातियां एयरपोर्ट नू, दूजे पासे गल करी जावे तां केवल ढिल्लों ने एयरपोर्ट लिआउण दा भी ऐलान कीता संगरूर नू, उसनू किवें देखदे हो कि बेरोजगारी खत्म करन दा इहनां दा मकसद? देखो बेरोजगारी बहुत वड्डा मुद्दा देश दा, राहुल गांधी जी पहले दिन तो कह रहे आ भी नौजवान जदों बेरोजगार होगा तो गुस्से चाहूगा और वो देश दे वास्ते अपना की कहिंदे गुस्सा अगर देश च पनपूगा तो वह कितने ना कितने नैशनल सिक्योरिटी तो लैके हर चीज़ वास्ते खतरनाक है। बीजेपी सरकार ने नौकरियों बारे कोई ठोस कदम नहीं चुके, ये भी कहने कोई गुरेज नहीं आ, कांग्रेस पार्टी की भी कमियां रही, लेकिन अज जो आप नफरत की राजनीति, देश में वंड वंडाउण की राजनीति, ये सारी राजनीति में जो आप देखीदा वा तो ये यही निकल के आता वा मेन मुद्दे बेरोजगारी छड़ के बाकी सारे मुद्दों पर सारी सियासी पार्टियां गल कर दी वा। सो असी ध्यान बेरोजगारी वाल लैके आना चाहते हैं और सियासत नू एक मुद्दे के उत्ते खड़ा करना चाहते हैं ताकि नौजवान जिहड़ा वा वह इस नफरत की राजनीति में ना झुकया जाए। ढिल्लों साहब, गैंगवार वध रही है पंजाब दे विच, उसनू किवें देखदे हो? सिद्धू मूसेवाले का कतल होना, अपना संदीप नंगलंबिया का कतल होना, उसनू किवें देखदे हो? देखो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हैगी आ पंजाब दे विच, इह सरकार जद दी आई आ गैंगस्टरां दे विच खौफ खत्म हो गया, पुलिस अपना काम नहीं कर रही क्योंकि जो तुम पुलिस को बग्गे वर्गे बंदियां नू दिल्ली लैन भेजोगे और उस तो बाद उन्हां दे मगर नहीं खड़ोगे, सो फिर ये नतीजे ए ही निकलणगे। सो पुलिस दे उत्ते इस सरकार की कोई गवर्नेंस नहीं आ, एडमिनिस्ट्रेशन ते कोई पकड़ नहीं आ और उहदा नतीजा अज यह हो रहा वा भी लोग गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे आ, कतल शरेआम हो रहे आ, इस करके इस सरकार दे उत्ते लोगों का भरोसा उठा क्योंकि लोगों नू इस सरकार नू गवर्नेंस नाम की चीज़ ही नहीं पता, सिर्फ पब्लिसिटी करना जानते हैं। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਗੈਂਗਵਾਰ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿਣ 'ਚ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਵਾ,
नौकरियां दी कमियां वा, बेरोज़गारी चरण सीमा ते आ, और ये चीज़ां लोगों को आकर्षित कर दिया, जिदे करके अज नतीजे जिहड़े आ वो आ भी शरेआम गैंगस्टरां दे विचों खौफ खत्म हो चुका वा। ढिल्लों साहब, पंजाब च सरकार बणे नूं हाले 3 महीने होए ने भगवंत मान जी दी, है ना, तो विरोध हो रहा, तुसीं देख रहे हो संगरूर दे विच, है ना, वादे नहीं पूरे हो रहे, पर जेकर मीडिया नाल गल करन दी कोशिश करी जावे भगवंत मान जी भाई दे नूं, उसनूं किवें देखदे? मेरे हिसाब नाल 2-3 चैनलां दी गल करनी पसंद कर रहे जिहड़े उन्हां दा एजेंडा चलांदे आ, तुहाडे वर्गे चैनल जिहड़े लोक पक्षी गल कर रहे आ उन्हां तों भज्जण गई, और मीडिया नूं तुहानू भी हुण सारे मीडिया चैनलों नूं भी मेरी बेनती आ, तुसीं भी वेखो किवें सानू उदों माड़ा चंगा कहिंदे हुंदे सी, अज उहनां नालों तो असीं चंगे ही सी ना, घट्टो घट्ट मीडिया नाल गल तां करी दी सी, मीडिया नूं जवाबदेही तां सी, अज भगवंत मान गल ही नहीं करदा, उह जिहड़ा सब तों वध फेसबुक सोशल मीडिया ते हर थां प्रैस कॉन्फ्रेंसां करदा सी, अज उह मुख्यमंत्री बण के 7वें आसमान ते हो गया, और अज मीडिया वालिआं दी एंट्री बाहरों बंद करती आ। सो इह बड़ी मंदभागी गल आ, इही बदलाव आ लोकां च तां नहीं जिंदगियां च बदलाव आया, लेकिन भगवंत मान जरूर बदल गया। जांदा सी कि सरकार आए ते पिंडां दे विच नहीं रहा, कि चंडीगढ़ रहण दी जरूरत नहीं, पिंडां दे विच लोगों के विच की लगता अच्छ पिंड आम आदमी? भगवंत मान कि धूरी आ गया, गोल्डी तो अज भी धूरी च बैठा, लेकिन भगवंत मान नहीं पहुंचा धूरी च, मीह ढेर नहीं पहुंचा बरनाले च, चीमा नहीं पहुंचा दिड़बे च, सो ये मंत्री बन के ये सैक्रटेट पौड़ियां चढ़ गया और लोग उत्थे दे उत्थे खड़े आ। ढिल्लों साहब, लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि नौजवान बहुत भड़क रहे हैं रेलवे स्टेशन से, देखा जाए भन तोड़ हो रही है, उसनों की नौजवानों की अपील कर? शांति, और आप इस चीज़ का विरोध करना, शांति तरीके करना, और लोगों च तंबू बंबू ला के बहना, धुप में बैठांगे, सड़कों पर बैठांगे, विरोध करांगे, आम लोगों नूं परेशान सरकारी संपत्ति नूं नहीं साड़ांगे, लेकिन अपने देश की संपत्ति आ, लेकिन फिर भी इहदा पूर जोर विरोध करांगे, और इस सरकार नूं हिला के रख देंगे, ये सरकार सोचती आ, ये सरकार असल में मसला यह आ, ये सरकार उठती उदों आ जदों इहो जिहे विरोध हुंदे आ, ये सरकार नूं समझ आनी चाहिए आ भी नौजवान का गुस्सा ना बार बार टेस्ट करन, क्योंकि नौजवान जो भड़क गया तो इन्हां नूं बहुत चक्कर पै सकदा। सो ये कांग्रेस पार्टी के यूथ प्रधान बरिंदर ढिल्लों जी, अग्निपथ योजना देश दे विच लियान तो बाद अज उन्हां वल्लों कैंडल मार्च किया जा रहा है, क्योंकि नौजवानों के बहुत रोस भी देखा जा रहा है।